कला एवं अभिनय के क्षेत्र में ग्रामीण अंचल के कलाकार अपने अभिनय क्षमता से अभिनय क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाकर सफल हो रहे हैं। ऐसी सावने तहसील के जेतपुर इस छोटे से गांव के निवासी युवा कलाकार कामेश अलखरे सोनी द्वारा अभिनेत उमरी फाटा इस मराठी फिल्म हाल ही में सावने शहर के आदर्श सिनेप्लेक्स बस स्टैंड सावने पर दर्शकों की भारी भीड़ से प्रदर्शित की जा रही है। पारंपरिक विषयों पर बनी इस काल्पनिक फिल्म में सावनेर तहसील के गांव उमरी और शिवतीर्थ क्षेत्र के नैसर्गिक वातावरण में फिल्मांकन किया गया, जिससे अपने क्षेत्र की नैसर्गिक भौगोलिक सुंदरता के साथ साथ स्थानीय कलाकारों की उपस्थिति और अभिनय ने इस फिल्म में चार चांद लगाए हैं। कृष्ण कुसुम प्रोडक्शन हाउस और एनके फोटोग्राफी के बैनर तले बनी उमरी फाटा इस फिल्म के निर्माता निर्देशक सूरज दराका, प्रोड्यूसर कृष्ण कुसुम, कार्यकारी निर्माता विदिशा गावंडे आदि उभरते युवाओं के साथ ही सावनेर तहसील के जेतपुर ग्राम के युवा कलाकार कामेश पुरुषोत्तम अलघरे सोनी के साथ ही संकेत कपासे, गजानन गावंडे, यशवंत ठाकरे, हर्षल चोरे, अश्विन निखारे, अरविंद सेम्बेकर आदि कलाकार ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। बता दें, कामेश अलघरे शुरू से ही गाँव शहर के आयोजन में एंकरिंग और यूट्यूबर पर रिकाम टेकड़ा नाम से छोटे फनी वीडियो के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे हैं। उमरी फाटा इस फिल्म में उनके चयन को उन्होंने अपने अभिनय से एक अलग पहचान बनाई और ग्रामीण क्षेत्र के उदयमान कलाकारों के लिए एक आदर्श पेश कर साबित किया कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए लगन जरूरी है। हम मेहनत करते रहे तो अवसर अवश्य ही मिलता है। सावने शहर में इस मराठी फिल्म को दर्शकों का मिलता भारी प्रतिसाद देख ग्रामीण कलाकारों में भी अब आस जगने लगी है और वे भी फिल्म, शॉर्ट फिल्म और यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी कला लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सावनेर तहसील के कलाकार कामेश अलघरे की फिल्म की कास्ट टीम से हमारे स्थानिक संवाददाता ने मुलाकात कर उनसे बातचीत की। पूरी टीम है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार और कार्यकारी जो निर्देशक है, निर्माता है, ये सारी पूरी टीम हमारे साथ में। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ये टीम को दिखा दिया जाए और न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी ग्रामीण कलाकारों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे सूरज दारका जी से कि ये जो फिल्म आपने जो डायरेक्ट की है, इस फिल्म का विषय क्या है और इस फिल्म में आप क्या दिखाना चाहते हैं? इस फिल्म के विषय के बारे में बताऊंगा आपको मैं कि समाज को थोड़ी सी मतलब एक मैसेज देने का भी हमारा इरादा है। जैसे समाज में कुछ लोग हिंसा फैलाते हैं तो वो हिंसा फैलाने वालों को कुछ लोग जो होते हैं अच्छे लोग, वो लोग मतलब उनकी एक लिमिट होती है सहने की, उसके बाद वो लोग उनको मतलब जब लगता है कि अब लिमिट क्रॉस हो गई तो इन लोगों को कैसे ख़त्म करना है, तो वैसे आम आदमी कैसे प्लानिंग करके ऐसे बुरे लोगों को ख़त्म करता है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है। हम कृष्णा प्रोड्यूसर जो हैं कृष्ण कुसुम जी, उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो एक विषय लिया है और इसमें आपने विशेषता सावनेर तहसील को चुना है जहाँ का एक उमरी गांव है, जहाँ आपने ये पूरा अपना शूट किया हुआ है, वहाँ के कलाकारों को भी आपने इन्वॉल्व किया है, तो आपको इस फिल्म में किस प्रकार से क्या महसूस कर रहा है? जैसे कि मैं अभी नागपुर का रहने वाला हूँ और 8-9 साल मैं पुणे में काम करता था, तो जैसे मैं यहाँ पे लौटा, मेरा एक फार्म हाउस है यहाँ पे शिवतीर्थ नाम का, जहाँ पे अपनी जगह है और आना जाना चालू रहता है। तो आते जाते जैसे एक उमरी नाम का गांव लगा, तो ऐसे आते जाते कुछ ख्याल आ गए मन में, चलो यार एक फिल्म बनानी है तो यहीं पे बना लेते हैं। पहले मैं 2014 में भी यहाँ पे फिल्म बना चुका हूँ बट वो शॉर्ट फिल्म थी, तो एक माइंड में आया चलो यार अपने पास अभी टेक्निकल स्टफ भी है काफ़ी हद तक के, कैमराज है, टीम है, तो हम एक मूवी बना लेते हैं। तो मूवी का कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही मतलब सूझा मुझे बट नाम नहीं सोच रहा था, तो नाम फिर बाद में उमरी गांव से फिर उमरी फाटा रखा। और उमरी गांव का जैसे एक आपने जिक्र किया है तो मैं यही बोलूँगा कि उमरी गांव बहुत सुंदर है, वहाँ के लोकेशंस आप मूवी में देख सकते हो और आने वाले जो दर्शक हैं जो मूवी देखना चाहते हैं तो उनको भी मतलब उमरी गांव के पूरे मूवी के एक जंगल फॉरेस्ट सीन के दर्शन आपको देखने को मिलेंगे। और एक्टर्स ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है और सबने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है। आप एक प्रोड्यूसर के नाते इस फिल्म को किस प्रकार से देखते हैं? एक छोटे बजट की फिल्म है, इसमें क्या नुकसान होगा, फ़ायदा होगा? सर एक्चुअली सबसे पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं नुकसान और फायदे का नहीं सोच रहा हूँ फिलहाल, और ये ज़्यादा बिग बजट वाली फिल्म नहीं है। हमने सबने मतलब सबके पैसे इस फिल्म में लगे हैं, सभी के पैसे इस फिल्म में लगे हुए हैं। हमारे साथ में इस क्षेत्र के जो कलाकार हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर में काम किया है, ऐसे हमारे साथ में कामेश। कामेश, तुला कसं वाटतं या पिक्चरमध्ये काम करून? ॲक्च्युली मी गावकऱ्याचा कलाकार, लहानपणापासून जुन्या दिंडीत जायचो,
शिवतीर्थला मी जॉब करत असताना कृष्णभूषण प्रोडक्शन हाऊसचे डायरेक्टर प्रोड्युसर गावंडे सरांशी माझी भेट झाली. माझ्या कलेला बघून त्यांनी मला या चित्रपटामध्ये काम करण्याची संधी दिली आणि त्या माध्यमातून मी या चित्रपटात काम करू शकलो. आज मी थिएटरवर पडद्यावर दिसतोय, अनेक सोशल मीडियावर माझे फोटोज किंवा माझे व्हिडिओज व्हायरल होत आहे, तर हे सर्व या मूवीच्या माध्यमातून होत आहे. माझ्या कलेला बघून सरांनी मला या चित्रपटामध्ये काम करण्याची संधी दिली आणि तिथूनच आज मी थिएटरपर्यंत आणि सोशल मीडियापर्यंत पोहोचू शकलो. आज आप ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर आते हो, तो ग्रामीणों में भी एक बहुत सी ऐसी कला है, बहुत सी संस्कृतियां हैं जो पर्दे पे लाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म आप तैयार कर रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है? जी बिल्कुल सर. एक्चुअली गांव खेड़ में बहुत से कलाकार हैं, बट उनकी कला को वाव नहीं मिलता, उनको सही समय पे गाइडेंस नहीं मिलता. बट कृष्णभूषण प्रोडक्शन हाउस के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सर ने ऐसे ही गांव के कलाकारों को चुना. उस गांव के कलाकार में मैं भी आता हूं. मैं सामने तहसील में एक छोटा सा जेतपुर गांव, जिस गांव में सिर्फ 50 घर है, उस गांव से मैं आता हूं और उस गांव के कलाकार को उन्होंने आज थिएटर तक पहुँचाया, मीडिया तक, सोशल मीडिया तक पहुँचाया. तो ये प्रोड्यूसर सर की जो सोच थी, उन्होंने हमको इस गाँव खेड़ के कलाकार को चुना और इस प्लेटफॉर्म तक लेकर आए. तो मूवी में काम करके मुझे अच्छा लगा. मराठी फिल्म थी और ऐसी काफ़ी सारी आगे भी मूवीज हमारे प्रोड्यूसर सर करने वाले. एक छोटे फिल्म में काम करके आप एक छोटे से गांव से निकल कर आए, आज कलाकार बनता हुआ खुद को कलाकार स्थापित कर लिया आपने, तो आज आपको कैसा लगा? एक्चुअली बहुत अच्छा फील हो रहा सर. पैसा एक अलग बात होती है कि किसी भी काम से जब पैसा मिलता है, बट पैसे के अलावा जो काम कर से जो नाम मिलता है ना, वो पैसे से कई गुना ज़्यादा, ऐसा मुझे लगता है. और मैं एक्चुअली मैं प्रोफेशनली एंकर भी हूँ, एंकरिंग भी करता हूँ, इसके पहले मैं रेडियो पे भी प्रोग्राम कर चुका हूँ और इस अभी मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ और भी आगे मुझे फिल्मों में काम करने के. यानी कला आप में कूट कूट कर भरी हुई है. हमारे साथ में ऐसा कोई काम है जब तक महिला साथ में ना हो तब तक वो काम पूरा नहीं होता. हमारे साथ में है विदिशिका गावंडे जो कार्यकारी निर्माता भी है इस फिल्म की. मैडम, आप इस फिल्म को देखते हुए क्या महसूस करती हैं, एक महिला होने के नाते किस किस प्रकार की परेशानियों का आपका सामना करना पड़ता है? एक्चुअली मैं ज़्यादा टाइम तो दे नहीं पाई थी, लेकिन जो टाइम गई थी तो वो टाइम पे बहुत मतलब कठिन रहता है, रात को शूट्स करना वगैरह जंगल के इसमें. किसी भी सफल कार्य के पीछे महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ रहता है और जब महिलाएं घर से बाहर निकलती तो उनके पीछे समस्याएं भी बहुत रहती हैं. हमारे साथ में ऐसी ही एक कार्यकारी निर्माता हैं इस फिल्म की, विदिशा गावंडे. आपको इस फिल्म बनाते समय में किस किस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ा? नमस्कार, मैं विदिशा गावंडे. माझा असं मत आहे की लेडीजने प्रत्येक याच्यामध्ये जायला पाहिजे, मग ती कोणतीही गोष्ट असो ती करायला पाहिजे. त्याच्यानंतर म्हणजे जसं आता मी स्वतः जॉब आहे, तर मी जॉब करून सुद्धा ह्या फील्डचं मॅनेज केलेलं आहे सगळ्या गोष्टी. आणि आताच्या जमान्यात पुरुषाला स्त्री ही खांद्याला खांदा लावून जगत असते, म्हणजे समोर जात असते. या उमरी फाटा या पिक्चरबद्दल आपलं काय म्हणत आहे? उमरी फाटा हा काल्पनिक मूवी आहे. माझं असं म्हणणं आहे की हा मूवी सर्वांनी पहावा, सर्व स्त्रीनी किंवा पुरुषांनी सर्वांनी पहावा हा मूवी, आणि याच्यातून जे काही बोधकथा आहेत त्या सर्व आपण सर्वांनी घ्यावा. थँक्यू. सोसाइटी की तरफ में भाग रहा है. आप इस छोटी सी फिल्म को अपने थिएटर में किस प्रकार से आपने इसको प्रोड्यूस किया? देखिए, लोग तो मुनाफा देखते हैं, पर हर चीज़ के पीछे मुनाफा देखेंगे तो क्या होगा. आज देखना है तो उन लोगों की हिम्मत देखिए, उन लोगों के प्रयत्न को देखिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं. और मुनाफा कमाने के लिए काफ़ी व्यवसाय है अपने पास. बस मैं यही चाहता हूँ कि इन लोग आगे बढ़े और इनके लिए हो सकता है उतना योगदान है उनको. एक आपने एक बहुत अच्छा मंच इनको खड़ा कर दिया है. हमारे साथ में कुछ दर्शक भी हैं जिन्होंने इस फिल्म को देखा है. सचिन भाई, अब ये फिल्म देख कर आए, अभी फिल्म में से क्या आप महसूस करते हैं? फिल्म देख के बहुत ही अच्छा लगता है. इन लोगों का उत्साह देख के ये लगता है कि फिल्म बहुत ही बढ़िया उत्तम प्रदर्शित की गई है और फिल्म में हर व्यक्ति ने, हर कैरेक्टर ने अपने रोल के साथ जस्टिस किया है, अपने साथ जस्टिस किया है. आपल्या ग्रामीण क्षेत्रातील एक कलाकार समोर चाललेला आहे, त्याचा त्याला आज आपण पडद्यावर बघून राहिलेलो, त्याला पडद्यावर बघून आपल्याला कसं वाटलं? आम्हाला खूप आनंद झाला आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आमच्या एरियामध्ये चित्रपटाचं शूटिंग झालं आणि आमच्या एरियातल्या मुलांनी त्यामध्ये काम केलं, हे आमच्यासाठी खरंच खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि ग्रामीण भागातील मुलांना त्यानिमित्ताने एक वेगळं म्हणजे चेतना स्फुरण यामधून भेटणार आहे, जेणेकरून सिनेक्षेत्रामध्ये सुद्धा ते काम करू शकतात, ही प्रेरणा या चित्रपटातून त्यांना मिळेल. काही दर्शक आपल्यासोबत परत आहे. आपण या सिनेमामध्ये आपल्या एक जवळच्या मित्राला, एक ग्रामीण भागातल्या व्यक्तीला आपण याच्यामध्ये बघून राहिलेलो, आपण याला कोणत्या दृष्टीने बघता? हा एक स्थानिक लोकांनी केलेला खूप उत्तम आणि चांगला सराहनीय प्रयास होता आणि या प्रयासाच्या अंतर्गत आमच्या सर्व मित्रमंडळींना असं वाटलं की आपल्या
भागामध्ये ह्या चित्रपटाचं आम्ही शूटिंग केलं, चित्रीकरण केलं, तर याच भागातल्या प्रेक्षकांना अधिकाधिक त्यांना ते दाग त्यांच्यापर्यंत पोहोचून त्यांच्याकडून तो प्रतिसाद अपेक्षित होता, तो अपेक्षित तो प्रतिसाद चांगला मिळालेला आहे, मिळालेला आहे. आपल्यासोबत अजून या या पिक्चरमध्ये काम केलेले वयोवृद्ध कलाकार आहे. सर, आम्ही असं समजावं की ग्रामीण क्षेत्रातील जे कलेला वाव आता मिळणार? नक्कीच मिळणार. या आमचे कृष्णकुसुम प्रॉडक्शन हाऊसचे जे निर्माते निर्देशक आहेत यांनी हा एक जो सफल प्रयत्न इथे केला ग्रामीण भागातून, पुण्यातून, कोरोना काळात इथून तो केला, यामुळे ग्रामीण कलाकार जे आहेत त्यांना एक चांगला प्लॅटफॉर्म मिळेल आणि भविष्य त्यांचं उज्ज्वल राहील या क्षेत्रात. संपूर्ण मीडिया आपल्या पाठीशी आहे आणि मीडियातर्फे आपल्याला आपल्या या पहिल्या प्रयोगाकरिता खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद.